बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। और मैं हूँ आपकी शेफ शेफ फरा मोहम्मद, और मेरे साथ हैं नन्ने मुन्ने से शेफ साफिन शहजाद, जुबैना सिद्दीकी, सनाइन शहजाद। देखिए आपने हमारे छोटे छोटे से शेफ्स को, और इनके साथ आपको हमारी रेसिपीज कैसी लग रही है? और मुझे तो पता है अच्छी लग रही है, लेकिन बच्चों को बताएं कि आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, इन्होंने खुद ही बोल दिया आपको बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल आपको पसंद आ रहा है हमारा शो, हमारा किस्सा सेगमेंट और हमारी रेसिपीज और बच्चों की जो चिट चैट है छोटी मोटी सी, वो भी आपको बहुत अच्छी लगती है। और आप सारे बच्चे चाहते हैं कि जुएना, सिनान, साफिन की जगह हम भी आएँ, तो बिल्कुल भी आप आ सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको ज़रूर बुलाएँगे हमारे शो में। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन खाना बनाने से पहले क्या करना चाहिए बच्चों? तो चलते हैं डेटॉल के काउंटर की तरह। सबसे पहले मैं करूंगी सिनान, बस ये मेरी हेल्प इतनी करते हैं सिनान को, तो बस दिल चाहता है कि वो सबकी हेल्प करें। मुझे सिनान बहुत अच्छे बच्चे लगते हैं, है ना सिनान? आप बहुत अच्छे बच्चे हो, तो घर में भी इतने अच्छे अच्छे रहा करो ना, ठीक है? अब ये इन्होंने ले लिया, बस मैं हैंड वॉश मेरे हो चुके हैं, मैं उसको ड्राई करती हूँ। जब तक बच्चे अपना हैंड वॉश कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से आ जाएँ। हाँ, आपको पता है डेटॉल कूल 5 डिग्री तक बॉडी को कूल रखता है। अरे वाह, तो सिनान को भी पता लग गया ये बात। और सिनान आपको पता है डेटॉल कूल मेंथोल की खुशबू के साथ रखता है 99.9% जरासीम से हिफाजत। हाँ। ये भी पता है ना आपको? सिनान को तो ये भी पता है, सब बच्चों को पता लग गया। और बच्चों आप भी हमारे साथ साथ बोल रहे होंगे ना कि किस तरह से ये आपको कूल कूल रखता है, किस तरह से जरासीम की हिफाजत करता है। बस साफिन अपने हैंड वॉश करके आ जाए। साफिन ने तो बहुत पूरी मुहिम चलाई हुई है कि पूरे यही पर साफिन देखे पानी को जाया नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये गुनाह होता है। आप आ जाए हमारे पास। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही रोजाना ही हम अच्छी रेसिपीज बनाते हैं, लेकिन आज बहुत शॉर्ट रेसिपी है, बहुत मजे की रेसिपी है। और वो वाली रेसिपी है बहुत अच्छी है, खुशबू तो अभी तो बनाई नहीं है, बच्चों को तो पहले से ना अज्यूम कर लेते हैं मतलब खुशबू बहुत अच्छी होगी। अच्छा डिटॉल की खुशबू अच्छी है, वो वही वही बच्चों को कितना अच्छा लगता है कि जो चीज अच्छी लग जाए, पसंद आ जाए। तो आज हम बना रहे हैं आपके, मेरे और सब बच्चों के पसंद के पिज्जा बाइट्स। पिज्जा बाइट्स बनने वाले हैं, बहुत ही मजे के बनने वाले हैं, इंस्टेंट बनने वाले हैं। और चलते हैं हम पिज्जा बाइट बनाते हैं। हाँ ना, छोटे छोटे से होंगे, मिनी मिनी, ताकि वन बाइट होगा ना, आप आराम से इसको इजीली खा सकते हैं। वो भी बर्गर के बन से। हाँ, क्योंकि देखिए रमजान में मेरे टाइम नहीं होता रमजान में, तो आप इस तरह से बच्चों की छोटी छोटी सी जो डिशेज है वो बनाया करें। अच्छा बच्चों थोड़ा सा देखिए, मैं फ्लेम को ऑन कर रही हूँ, चूल्हे को ऑन कर रही हूँ, तो आप सबको थोड़ा सा दूर होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि जब आप ऑन कर रहे हो, थोड़ी एहतियात के साथ हो चुका ऑन, अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा स्लो फ्लेम करना है, ताकि हम वन बाय वन सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करते जाएं। और मैं आपको ब्रीफ करती जाऊं, ताकि आप इसको नोट डाउन करें और ये रेसिपी अपने घर में बनाएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पर है डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ मांगता वहाँ डालडा, है ना? अच्छा। बच्चे रेसिपी देख रहे और सीख भी रहे, सीख भी रहे हैं बच्चे, और अपनी मामा को कह रहे हैं कि हमें भी खाना बनाना है, मतलब भी आ रहा है। अच्छा, हेल्प भी कर रहे हैं आप, हेल्प करते हैं अपनी मामा की। और आपको पता है बच्चों, डालडा जो है 80 साल से भी ज़्यादा जितनी मम्मीज हैं, जितनी भी अम्मियाँ हैं, उनकी पसंद का है, वो पसंद करती हैं डालडा को, उसी में खाने बनाती हैं। 80 ईयर्स से वो माएँ पसंद करती हैं, फिर बच्चों को भी पसंद आते हैं खाने। और डालडा जो है, उन्होंने जितनी भी माएँ हैं उनकी पसंद का ख्याल रखा और अपनी क्वालिटी को बेहतरीन बनाया, और क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि डालडा आपकी सेहत का भी तो ख्याल रखता है। और आप तमाम लोगों के लिए, हमारे लिए डालडा ने रमज़ान के महीने में न्यू पैकेजिंग रेंज इंट्रोड्यूस करवाई है, तो उसको लें और इंजॉय करें। अब मैं चिकन को पकाना शुरू करूँगी। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे चिकन है, तो ये ऑयल जो है बातों बातों में बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, इसको मैं हटा रही हूँ, इसको यहाँ रख रही हूँ। ऑयल 1 टीस्पून डालेगा। ऑयल मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है इसके अंदर, जो है ना आप थोड़ा सा दूर हट जाए। हाँ बस सही है। अब मैं इसको फ्लेम से हटा के मैं यहाँ रख रही हूँ। चिकन है, मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, ताकि हमारी पिज्ज़ा बाइट्स जो है वो इजीली बन जाए। सही, इसको मैं पकाऊंगी थोड़ा सा। इसमें थोड़ा उड़ रहा है, उड़ेगा ना, पानी होता है, चिकन को हमने वॉश किया है, पानी होता है, तो वो थोड़ा सा उड़ेगा। अब मुझे स्पून चाहिए, स्पून दे दे। अब मेरे पास ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर दूंगी। साथ ही साथ मैं दूसरे मसाले भी ऐड करती जा रही हूँ। ये हमारे पास कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और मेरे पास ये चिकन पाउडर, ये मेरे पास है, मैं इसको 1 टीस्पून भर के ऐड करूँगी, क्योंकि इसके अंदर चिकन का भी एक फ्लेवर आ जाए। और ये मेरे पास है यहाँ पर हर्ब्स हैं, और थाइम एंड ऑरिगानो, जो कि बहुत ज़रूरी होता है पिज़्ज़ा के लिए, वो इसके अंदर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है।
मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और हमने सिर्फ चिकन को पकाना है, ठीक है। इसको पकाना है, अच्छे से कुक हो जाए, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, पानी ड्राई हो जाए, उसके बाद हम क्या करते हैं आप देखते जाए, आपको बहुत मजा आने वाला है। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, मुंह में भी अभी होगा। जब तक ड्राई हो रहा है चिकन का पानी, वो थोड़ा सा उसका कलर ब्राउन आ जाए और मैं चलती हूँ सेकंड स्टेप की तरफ, तो बस एक मिनट चाहिए होगा मुझे। चिकन हमारा अच्छी तरीके से बन चुका है, अब हमने बनाना है वन बाइट पिज्जा। तो किस तरह से बनाएंगे, चलते हैं पिज्जा बनाने की तरफ। पहले मैं आपको बता दूं एक किस तरह से बनता है, फिर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। एक बता देती हूँ आपको सबको, यहाँ आप मेरे पास देखिए छोटे छोटे, एक बनाकर दिखा दे, एक बना के दिखा देती हूँ, बस मैं दिखा देती हूँ। मैंने इतने सारे इसीलिए रखे कि मुझे मालूम था कि ये बच्चे जो है ना मुझे नहीं बनाने देंगे, खुद बिल्कुल बीच में आएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है पहले मैं एक बना के दिखा देती हूँ। स्पून मैंने ले लिया, पिज्जा सॉस है यहाँ पर, इसको मैंने अच्छे से इस पे लगा दिया। हाँ ऐसे करना है, सही से थोड़ा ले, थोड़ा थोड़ा ले, इतना जितना इसमें लग सकता है। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये मेरे पास चिकन है, हाफ चिकन स्पून नहीं, हाफ टी स्पून चिकन थोड़ी होता है ये, वन ये जो था ना क्यूब वो लेंगे और इसके अंदर, हाँ जी। और ये मेरे पास चीज स्लाइसेस है, और उसको करेंगे क्या, थर्ड स्टेप भी इसका है जो करेंगे मैं आपको बता दूंगी। इसको थोड़ा थोड़ा लगाना है, इसको मेल्ट भी होगी ना फिर, ये लाएंगे थोड़ा सा, इसमें वो हो गई है, मेल्ट हो गई है, सही है। इसको स्लाइस है हमारे पास, और इसमें ओरिगानो एंड थाइम। अब चले बच्चों इसको एक एक करके बनाते जाएं आप, किसी में सैलेड लीव डालते हैं, किसी में नहीं डालते, सही, थोड़ी थोड़ी चीजें करते जाते हैं। मैं दूसरा बना के दिखा देती हूँ, अब आपकी मर्जी है, आपको इसके अंदर लीव वाला, हाँ लीव वाला भी बना लेते हैं, और लीव के बगैर भी बनाते हैं, और उसको छोटा सा क्योंकि मिनी वो है ना वन बाइट है, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा हमने लगाना है। और इसके अंदर मैंने ये चिकन का एक पीस रख दिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें यहाँ है चीज स्लाइस, ये मैंने ले लिया, इसको बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये बच्चों आप यहाँ रखें, सिनान पहले आप बनाओगे, देखो वन बाय वन बनाइएगा, इससे शोर नहीं बचाएगा कि मैं बनाऊँ। हाँ चीज स्लाइसी से थोड़े से टूट रहे, कोई बात नहीं, हमें वैसे भी इसको मेल्ट ही करना है, तो कोई इशू नहीं है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, और उसके साथ इसके अंदर ओरिगानो थाइम, क्योंकि बहुत अच्छी पिज्ज़ा की खुशबू आती है। अब जो है ना आप बनाएं, चले यहाँ बनाएं आप, ये पास मेरे पास है पिज़्ज़ा सॉस, ये आप बनाएं, मुझे टिश्यू पेपर दे दें। अब ये बच्चे देखें इसको बना रहे हैं, बच्चों से ये काम करवाया करें, और बच्चे सीखेंगे सीखेंगे। देखिए ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कुक है, सारी चीज़ें बनी हुई है, कुक्ड है सारी चीज़ें, तो आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों को वैसे भी खिला सकते हैं, लेकिन मुझे क्या चीज़ को थोड़ा सा मेल्ट करना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है, ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसके अंदर स्टीम जमा हो जाए, फिर हम इसको मेल्ट करने के लिए रखेंगे। अभी ज़ुआइना ये बना रही है, ज़ुआइना जल्दी जल्दी करें, देर नहीं लगाएं। अच्छा मैं भी बनाती जा रही हूँ साथ में, हो गया। अब चिकन का पीस में रख देती हूँ साफ, सिनान आप आ जाएं। इतना ज़ुआइना ने तो इतनी कंजूसी से बनाए हुए ना, ये तो बहुत ही कम रखे हुए, आपने इतना सॉस इतना कम क्यों डाला है इसमें, ज़ुआइना बहुत कम है, चले सिनान आप करें। हाँ थोड़ा सा ज़्यादा। अब इसके अंदर मैंने ये ओरिगानो थाइम, और इसमें मैं यहाँ रख देती हूँ हाफ टी स्पून, और इसके अंदर आप ये ना सैलेड लीव भी रख दीजिएगा, सही है, सही से लगा दें। अब साफिन आप आ जाएं, तीनों आ जाएं। अब बच्चे देखें अच्छी तरह से लगा रहे हैं, ठीक है राइट। बस ये देखें अब सिनान के हाथ ख़राब हो गए, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, अभी साफ़ हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएं ज़ैना, आप उस तरफ चली जाएं, आप वहाँ पर चली जाएं, साफिन को यहाँ आने दें। अच्छा बच्चे जब किचन में होते हैं तो बच्चे तो एक इन्जॉय भी कर रहे होते हैं, आपकी हेल्प भी कर रहे होते हैं। तो बस हमारी ये बन रहा है, और अब हम इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको रखेंगे और स्टीम देंगे ताकि हमारी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए, बस थोड़ी सी देर, तकरीबन 30 सेकंड के लिए। तो चले करते हैं इसको स्टीम। अब हम बनाने वाले हैं, आपको कोई आइडिया है हम क्या बनाने वाले हैं? आपको आइडिया है ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं किसकी होती हैं? केक। ज़ुआइना ने बिल्कुल सही गैस किया कि केक की सारी चीज़ें हैं हमारे पास। मुझे फोक दे दें। स्ट्रॉबेरी केक चॉकलेट केक, बिल्कुल सही, कुछ मिलता जुलता आपने सही बताया। हम केक बनाएंगे, लेकिन हम बनाएंगे फ्राइंग पैन केक बनाएंगे। केक तो ऐसे नहीं बनता, तो हम बना के दिखाएंगे ना कि कैसे बनता है, सही है। तो इसको बनाते हैं जल्दी से, हम ओवन के बगैर बनाएंगे। हाँ ये हमारे पास 2 eggs है, उसको मैंने ले लिया यहाँ पर, और इसको योग के साथ, नहीं मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मैं मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। जब तक आप मिक्स कर रहे हैं जो है ना, आप मिक्स करें, टीस्पून दे दें। इसके अंदर हम ऐड करते जाते हैं सारी चीज़ें, आप नोट करें। अच्छा ये मेरे पास यहाँ पर है बेकिंग सोडा, और आप बेकिंग सोडा अगर लेंगे तो आपने इसमें 1/2 teaspoon लेना है, अगर बेकिंग पाउडर आप लेंगे तो आपने 1 teaspoon लेना है, डबल कर देना है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा मैं यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर 1/2 teaspoon,
वो बाद में, वो लास्ट में अच्छे से मिक्स करें। इसके साथ मेरे पास यहाँ पर आइसिंग शुगर, आइसिंग शुगर आपने 2 टेबल स्पून ऐड करना है, ठीक है। 2 टेबल स्पून मेरे पास टी स्पून है, तो 4 टाइम इसके अंदर ऐड करूंगी, 1 2 काउंट करो, 3 एंड 4, ठीक है। ये 4 टाइम हो गया, अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद कोको पाउडर मेरे पास है और मैं इसको ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। ये मैं इसको भर के ही डाल देती हूँ, 1 भर के डाल देती हूँ, सही। ये हो गया 1 टेबल स्पून, ठीक है। इसको आपने अच्छे से मिक्स करें, सारी चीजें मिक्स करें, चॉकलेटी लग रहा है ना, मैं इसको कर देती हूँ, बहुत अच्छा है। इसको विस्क कर रही है, नहीं मैं कर लेती हूँ, सही है। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड करना है, नहीं हमने प्लेन फ्लावर इसके अंदर ऐड करना है, खुशबू आ रही है, प्लेन फ्लावर मैदा हमने इसके अंदर ऐड करना है। बस इस चीज का ख्याल रखना है कि अच्छी तरह से मैं ऐड कर लेती हूँ, अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। ज्यादा भी ले सकते हैं, अच्छा सा मिक्स हो गया। अच्छा ये मैंने यहाँ पर ले लेना है तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने ले लेना है, ठीक है। मैं प्रिंकल्स डालूंगा 1 और मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी, ठीक है। ये मेरे पास हो गया, और देखती हूँ कि इसको मुझे ज्यादा की जरूरत होगी तो मैं ले लूंगी। अभी मैंने फिलहाल 2.5 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जी बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करेंगे कि अच्छा सा थिक सा हमारे पास केक का बैटर तैयार हो जाए, सही। इसके अंदर लम्ब भी ना रहे, बस इसको बीटिंग का जो है ना ये वाला स्टेप है उसको अच्छे से आपने फॉलो करना है। ये मैंने कर लिया, और इसके अंदर लास्ट में मैं शामिल करूंगी डालडा कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून, ठीक है। वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, ये मैं ले लेती हूँ यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल। बहुत अच्छा फ्लफी सा हमारे केक को ये बनाएगा, स्मूथ सा बनाएगा। ये थोड़ा सा मैंने ऐड किया, हाँ मिक्स करें, मिक्स करें जल्दी से आप इसको मिक्स करें। देखा है केक में डालडा डल रहा है। बेटा आप तो कभी खड़े रहते हैं किचन में, तो बच्चे नहीं होते ना, केक में ऑयल डलता है और बहुत इससे अच्छा केक बनता है, स्पंज बहुत अच्छा इसका बनता है, खुशबू भी आती है, सारी चीजें मिक्स करना है। नहीं आप बाद में कीजिएगा, सही बहुत अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है। बस सिनान हम सही खड़े रहे हैं, गिर जाएंगे, हाँ वो लास्ट में जब बन जाएगा उसके बाद हम ऐड करेंगे। देखिए जब केक बन रहा होता तो बच्चे कितना एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या बनने वाला है, सबको पसंद आता है। ये बैटर मैंने इतना बना लिया है, अब फ्लेम को ऑन करते हैं, बच्चे थोड़ा सा दूर हट जाएं जब फ्लेम ऑन हो रहा होता है। पहले इसको अच्छा सा गरम करके फिर हम इसको स्लो कर लेंगे, सही। इसको गरम करेंगे, अच्छे से इसको गरम कर लेते हैं। ऑरेंज कलर ये बन चुका है, देखें कंसिस्टेंसी देख लें, केक किस तरह से होनी चाहिए। जम नहीं करेंगे, बस इनको देखना है केक बनेगा कैसे, ठीक है। यहाँ है, अब इसको ग्रीस कर लेते हैं, ऑयल से ही हमने इसको ग्रीस करना है। मुझे ब्रश दें, कुकिंग ब्रश दे दें। ये थोड़ा सा मुझसे दूर हो रहा है क्योंकि बच्चे खड़े हुए हैं ना, इसलिए मैंने बच्चों को दूर भी खड़ा किया। थोड़ा सा 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड करना है ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल, उसको ग्रीस करने के लिए, ताकि केक का जो बैटर है वो उसमें चिपके ना। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है, फ्लेम को बिल्कुल स्लो करना है क्योंकि ये बहुत स्लो फ्लेम पर बनेगा। एक बारी हेल्प करेंगे, हेल्प करेंगे, सही है। जोएना ने एक बारी सिर्फ मिक्स करा, साफ़ी ने एक बारी सिर्फ स्प्रिंकल्स डाले, कि मैं सिर्फ एक बारी स्ट्रॉबेरी डालूंगा, ठीक है। अच्छा इसको मैंने हटा लिया यहाँ पर, मैं रख दूँ इसको थोड़ी देर बस साइड कर दे, मुझे जरूरत होगी तो मैं ले लूंगी। इसके अंदर हम इस बैटर को डाल देंगे, सही है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ अब इसको हमने सारा बैटर को डाल देना है, खुशबू भी आ रही है, अब इसको काट दीजिएगा क्योंकि मेरा बैटर कम है। हो चुका है ये सारा, इसको साइड कर देते हैं। अब मैंने इसको बहुत ही हल्की फ्लेम पर इसको रख देना है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये बनता रहेगा। तकरीबन इसको बनने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। अच्छी तरह से कुक हो जाए तो हमारा केक तैयार होगा। और जो चीज़ें मैं यूज़ कर चुकी हूँ उसको हटा देती हूँ, और जो हमने चीज़ें इसमें टॉपिंग के लिए रखनी है, स्प्रिंकल करना है, उसको मैं रखती हूँ, तो काउंटर को थोड़ा मैं क्लीन कर दूँ। केक हमारा बन चुका है बहुत अच्छी तरीके से, हाँ अच्छा लग रहा है ना, देखिए बहुत अच्छी तरह से ये बन चुका है। और अब हम इसे क्या करेंगे, प्लेट मुझे दे दीजिए, प्लेट में हम इसे निकालेंगे। अच्छा है ना, आपको अच्छा लग रहा है चॉकलेट केक, जी तो देखें बिल्कुल भी लग रहा है। हाँ इस पे नहीं लग रहा, और ये केक हमारा तैयार है, बहुत पैनकेक जैसा लग रहा है, लेकिन ये केक है। इसको मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगा, हटा देती हूँ, अब यहाँ लाए इसको हम इसकी टॉपिंग करते हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा डाल देंगे ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ स्ट्रॉबेरी से इसको आप सेट करें। अरे सिनान ऐसे नहीं, मैं बता रही हूँ, देखिए मुझे लाए, मुझे देते जाए, मैं करती जा रही हूँ। बच्चों को बस एक काम दे देना तो वो छोड़ते नहीं है बच्चे। मुझे लाए, मैं करती जा रही हूँ,
बस ज्यादा स्प्रिंकल नहीं करें ना, लाएं जल्दी 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 जल्दी। अब दूसरे काम भी तो करने, इसी के पीछे थोड़ी रहेंगे। ठीक है, हो चुका, अब अपनी अपनी जगह पे जाएं, सब बच्चे अपनी अपनी जगह पे जाएं। ठीक है, इसको स्ट्रॉबेरीज के साथ या जो फ्रूट आपको अच्छे लगते हैं या आपके घर में, बस छोड़ दो जोयना, आप छोड़ दो, मैं खुद ही कर रही हूँ। सही है, आप यहाँ पर आ जाएं। अब जोयना ने अपने हाथ भी गंदे कर लिए हैं और बच्चों के कपड़े भी गंदे हो चुके हैं। ठीक है, अब इसको मैं जल्दी से करके, हो चुका, ठीक है, डन। अब ये हो चुका, अब आप इसको देखें, टिश्यू पेपर दे दें मुझे, ये बन चुका। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, फ्राइंग पैन केक बहुत जल्दी बनने वाला है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं अपनी मामा से, किसी भी वक्त कहते हैं कि हमें केक खाना है, तो आप परेशान बिल्कुल भी नहीं हो, आप इस तरह से केक बना के, पैन केक जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन ये केक है, ये बहुत अच्छा है, आप इसको बनाएं। स्ट्रॉबेरीज को मैं यहाँ रख देती हूँ। काउंटर जो है हमारा ख़राब हो चुका है, गंदा हो चुका है, तो उसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं इसको साफ कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान है, कुकिंग कर रहे होते हैं, इफ्तार बना रहे होते हैं, बड़ों के तो कपड़े गंदे होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, लेकिन बड़ों के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और टाइम इतना नहीं होता कि दाग को किस तरह से रगड़ें, किस तरह से साफ करें। खाने के बाद कपड़े गंदे कर देते हैं, कपड़े गंदे करता है। हाँ, आप साफ करें, बच्चे भी कपड़े गंदे करते हैं और हम बड़े भी जब कुकिंग कर रहे होते हैं, अफ्तार बना रहे होते हैं, तो हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और बड़ी परेशानी होती है, रमज़ान में वैसे ही इतना टाइम कम होता है, तो हम कपड़ों की सफाई किस तरह से करें। तो लेकिन अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास से नया ब्राइड कोरमे से लेकर कढ़ाई तक हर दाग वाइप कर देगा, ब्राइड सब राइट कर देगा। तो हम इसको थोड़ा सा छुपाती हूँ, साइड करती हूँ और चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब सबसे लास्ट में हम इफ्तार के लिए ड्रिंक बना रहे हैं जिसका नाम है वाटरमेलन कूलर। जोयना को तो नहीं याद, जोयना तो अब बिल्कुल भी नहीं पियेंगी, आपको याद ही नहीं था आज कौन सी ड्रिंक बना रहे हैं, है ना, नहीं याद था। कोई बात नहीं, वो वाटरमेलन कूलर बना रहे हैं, दो बार बताया, मैंने दो बार बताया था, आपको भी बताया था, जब मैं यहाँ पर सारी चीजें सेट कर रही होती तो बच्चे पूछ रहे होते हैं आज क्या बनेगा, कौन सी ड्रिंक बनेगी, तो मैंने कहा चले बच्चों को बता ही देती हूँ, कभी कभार मैं नहीं भी बताती। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं जिस तरह से मैं रोजाना बनाती हूँ, बहुत आसान सी ड्रिंक इफ्तार के लिए, क्योंकि वक्त नहीं होता, दुआओं का वक्त होता है, कबूलियत का वक्त होता है, सारे लोग दुआ कर रहे होते हैं, तो टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए काम के अंदर, है ना। तो हम अपनी ड्रिंक स्टार्ट करते हैं, मेरे पास वाटरमेलन है यहाँ पर, ये मैंने तरबूज ले लिया है, और मुझे स्पून दे दें साफिन, ताकि मैं इसको बहुत आसानी से मैं इसके अंदर ऐड करूं, ये गिर ना जाए, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। वाटरमेलन किसको अच्छे लगते हैं अफ्तार में, मुझे, आपको भी अच्छे लगते हैं, सभी को तो अच्छे लगते हैं है। आपको तो पसंद ही है, इसको तो बहुत ही अच्छे लगते हैं सिनान को। और पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें, पानी के साथ हम इसमें दूसरे जो ड्राई मसाले हैं वो भी ऐड करेंगे, इसके अंदर हमने डाल दिया, ठीक है, उसके अंदर पानी जा रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर क्योंकि ये बहुत कूल कूल सा होता है और इसके अंदर आप आइस ना भी शामिल करें तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा कूल करता है और आपको प्यास का एहसास नहीं होता, पूरा दिन आप रोजे से होते हैं तो आपको बहुत एक अच्छा फील होता है, रिफ़्रेश हो जाते हैं आप। सही, सौंफ है, सौंफ भी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा कूल करती है, विटामिन सी से भरपूर होती है, वो मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया, साथ में नमक 1/2 टीस्पून, और उसके साथ मैं इसमें शामिल करूंगी चटपटा सा चाट मसाला 1 टीस्पून। कितना आसान है, और बस मिक्स करना है, मिक्स करना है, लेकिन एक चीज हमारे पास रह गई है जो हम इसे सॉल्ट भी डाल दिया, सॉल्ट भी इसके अंदर ब्लेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 हो गया, है ना, 5 तक काउंट किया, वह हो जाता है, जल्दी से हो जाता है, इसको टाइम ही नहीं लगता। हम बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते हैं और बहुत इंस्टेंट जल्दी जल्दी वाली बनाते हैं ताकि टाइम जो है हमारा बच जाए। इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, देखो मैंने इसे कहा था कि काउंटर साफ करो, लेकिन बच्चों ने ये रहने दिया। रोटी बनाकर खिलाऊंगा, भूल गया था आज। अरे छोटी रोटी बना के, वो आप मुझे छोटी रोटी बना के आप मुझे खिलाएंगे सहरी में, ठीक है। सिनान मुझसे रोजाना प्रॉमिस करते हैं कि छोटी रोटी बना के खिलाऊंगा, लेकिन मुझे खिलाते ही नहीं है, और क्योंकि इफ्तार में तो आपको पता है रोटी खाने का टाइम नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, फ्रूट्स होता है, हमारी बनाई हुई इतनी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ होती है और साथ में ड्रिंक भी होती है, तो रोटी सिनान में बाद में खाऊंगी। सही, रोटी का मामला थोड़ा सा हम पीछे छोड़ देते हैं, सहरी में खाऊंगी, सहरी में। सही है सिनान। अच्छा, मैं यहाँ पर देखें, बहुत अच्छा सा इसके अंदर एक बबल से आए हैं, एक अच्छी सी क्रीम सी बनी है, तो इसको मैं यहाँ पर झाग सा बना इसमें इसके अंदर ऐड करूंगी 1/2 ग्लास। पूरा प्रॉमिस कर रहा हूँ, बना के खिलाऊंगा रोज। प्रॉमिस कर रहे हो, अरे वाह, सिनान का प्रॉमिस ऐसा पक्का वाला है, पक्का वाला है। सोडा डालेंगे, सोडा ड्रिंक डालेंगे, बिल्कुल सही, ऑल राइट। हाँ, डाल रहे, वेट करें, थोड़ा सा वेट करें। सही है, 1/2 इसमें
और अब हम इसके अंदर सोडा ड्रिंक ऐड करेंगे। मजे का खुशबू तो अच्छी आती है वाटरमेलन जो है इसके अंदर। अब हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, ये सोडा ड्रिंक हमारी बन गया वाटरमेलन कूलर, कूल कूल सा। ये बाद में हम ग्लास के अंदर इसको पोर करेंगे। जल्दी जल्दी क्या हो गया, 5 मिनट में कहाँ, इससे भी कम में बनाया हो तो मैं बातें कर रही हूँ आपसे। हमारी ड्रिंक जो है बन चुकी है, जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। और कुकिंग का सारा काम मेरा कंप्लीट हुआ और अब चलते हैं आपके और बच्चों के पसंद के सेगमेंट किस्सा कहानी की तरफ चलते हैं। बच्चों आज का जो किस्सा है मैं हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का आपको सुनाऊंगी। हमने सुन लिया नहीं, उसका मैंने एक किस्सा सुनाया था जैसे कि मैंने आपको बताया। हाँ जी, मैंने आपसे कहा था ना मैं इसको आपको थोड़ा सा किस्सा सुनाती हूँ और आगे जो मैं दूसरा किस्सा सुनाऊंगी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का। जी बहुत बड़ा किस्सा है हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का, इसलिए वो हम देखते हैं। अभी मैं सुना रही हूँ आपको, अच्छा लगता है, पसंद आया आपको किस्सा? बहुत अच्छा किस्सा था ना। हम कहाँ तक थे, हम वहाँ थे जब हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के भाइयों ने उन्हें कुएं में डाल दिया और उसके बाद वहाँ से एक बहुत सारे लोग गुजरे और उन्हें पानी की जरूरत थी तो कुएं में उन्होंने पानी के लिए एक बर्तन डाला। जैसे ही बर्तन डाला वो निकले, वो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम आ गए। किसका गोरा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है। हाँ हम जी, इसको बेच देते हैं, हम इसको बेच देते हैं, हमें इसको पैसे मिल जाएंगे। ना इतने बड़े एक एक करके बोले, एक एक करके। हाँ बोले, इतने बड़े आदमी के पास चले जाते हैं, फिर इतना बड़ा घर होता है। हाँ ये देखिए सिनान को ये किस्सा याद है। और उनके बाबा दूधवा करने लगते हैं उनके लिए, फिर उनकी आंखों की रोशनी चले जाती है, फिर भी वो वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए सिनान को किस्सा कितना याद है। तो जब हम अंबिया के किस्से सुनाते हैं तो ये अल्लाह की तरफ से है कि हमारे दिल में वो घर कर जाते हैं और हमें याद रह जाते हैं। यूसुफ अलैहि सलाम मिल भी जाते हैं। हाँ वो बाद में मिलेंगे ना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सुना रही हूँ उसका, सही है? किस्से में मिल जाएंगे ये वाले किस्से में इंशाल्लाह। और देखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा किस्सा है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं इसको थोड़े थोड़े हिस्सों में इसलिए सुना रही हूँ कि बच्चों के दिमाग में अच्छी तरह से ये बस जाए, बच्चों को याद हो जाए। और बच्चों को कितना अच्छी तरीके से याद है, तो प्यारे बच्चों आपको भी याद होगा ना ये किस्सा। तो बिल्कुल सही बताया कि उनको मिस्र के जो वजीर थे, वहाँ के बड़े थे, वहाँ की गवर्नमेंट के, वो वहाँ पे लेके गए और उनको अपने घर में रखा। और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो परवरिश करने लगे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत प्यारे थे, खूबसूरत थे, तो अल्लाह ताला का कितना बड़ा करिश्मा हुआ कि भाइयों ने उन्हें छोड़ दिया। वो समझे कि पता नहीं कहाँ चले गए, दूर चले गए, इनकी लक सही है ना। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, तो उनकी जो लक थी वो वहाँ पर लेके गए। वो बहुत अच्छी तरीके से रहने लगे, फिर बड़े हुए। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ने उनको उनके अल्लाह के ख़ास बंदे थे, अल्लाह ने उनको नबूवत अता की, वो नबी बने। और फिर जारी बात है वो नेक भी थे, बहुत अच्छे थे, उनका रवैया था, उनका बिहेवियर था, अपने बिहेवियर था, जैसे कि उनका अखलाक अच्छे तरीके से बात करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, लोगों से बहुत अच्छी तरीके से और रहम दिल थे और इंसाफ करते थे। तो एक अच्छे थे ना बंदे, तो सब उनकी तारीफ करते थे, सब उनको पसंद आते थे। जब वो रहते थे अजीज़ के घर में रहते थे, उनका नाम अजीज़ था, जो अजीज़ की बीवी थी, उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेकसूर थे, उनका कोई भी कसूर नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि जब अजीज़ को पता लगा कि मेरी बीवी जो है वही कसूरवार है, तो उन्होंने क्या किया, उनकी तो इज्जत का मामला बन गया। तो फिर वो बादशाह के पास गए, उन्होंने कहा कि नहीं यूसुफ ही कसूरवार है, उन्होंने झूठ बोला। ठीक है, झूठ बोला। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह
अगर मेरी कैद, अगर मुझे जेल में भेज दिया जाता है और ये मेरे हक में बेहतर है तो मैं जेल में जाना पसंद करूंगा, और अगर मेरे हक में ये बेहतर नहीं है कि मैं यहाँ पर रहूँ, सबके बीच में रहूँ, मुझे रिहाई मिल जाए, अगर मेरे हक में बेहतर नहीं है तो फिर मुझे ऐसी रिहाई नहीं चाहिए, मुझे जेल ही बेहतर है। सही है, तो बेहतर क्या था, तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उनको जेल हो गई। ठीक है, क्योंकि उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था तो उनको जेल हो गई, फिर वो जेल में चले गए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। लेकिन जो जेल में जो बहुत सारे लोग बंद होते हैं ना, जो कैदी होते हैं, जो गुनाह करते हैं, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, वो तो बहुत अच्छे थे। कि सारे कैदी ने देखा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो बहुत ही नेक हैं, वो तो बहुत अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, तो वो जेल में क्यों है? तो मैंने आपको बताया ना, उन पे एक इल्ज़ाम लगा था, मैंने आपको बताया, बोला मुझे जेल में जाना पसंद। उन्होंने खुद अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह ताला, बहुत अच्छे थे उन्होंने। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अल्लाह के से निकल भी जाते हैं। हाँ, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो कहते हैं कि या अल्लाह, अगर दुनिया में मुझे रहना है और मुझे मुझे बहुत ही बुराई के साथ सामना करना पड़ता है, तो मुझे ये बुराई नहीं चाहिए, मुझे कैद चाहिए, मैं सिर्फ तेरी इबादत करना चाहता हूँ। तो अल्लाह तो अपने नेक बंदों की दुआ कबूल करता है ना, तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली, फिर वो जेल में चले गए। फिर जेल में उनकी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। अच्छा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हमारे ऐसे नबी थे, इन पर नबूवत थी, अल्लाह ताला के प्यारे बंदे थे, कि वो ख्वाब की ताबीर बताते। जो आप ड्रीम देखते हैं ना रात को, जो बच्चे ड्रीम देखते हैं, बड़े देखते हैं, तो हमारे जो पैगम्बर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, उनको ख्वाबों की ताबीर भी पता थी। उनको पता था कि ये मैंने ख्वाब देखा है तो इस ख्वाब का क्या मकसद है। तो वहाँ पे दो कैदी मिले, उन्होंने अपने जो ख्वाब थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा जो है वो नेक पाया, बहुत ज़्यादा नेक देखा। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जो ख्वाब देखा, उनके पास गए और कहा कि ए यूसुफ़, हम आपको बहुत नेक पाते हैं, हम देखते हैं कि आप बहुत नेक हैं, आप अल्लाह की इबादत करते हैं, तो हमने ये अजीब सा ख्वाब देखा है, तो आप मुझे बताएं कि ये ख्वाब की क्या ताबीर होगी। एक कैदी था, उसको मौत की सज़ा होनी थी, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसको बिल्कुल भी नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता तो वक्त से पहले ही बेचारा मर जाता, बीमार हो जाता। लेकिन दूसरा कैदी था, उसने जब अपना ख्वाब बताया तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये खुशखबरी दी कि तुम जो यहाँ से रिहाई पाने वाले हो, लेकिन अगर तुम्हें रिहाई मिल जाएगी इंशाल्लाह, तो तुम बादशाह के पास जाना और बादशाह को मेरा पैगाम देना कि मैं बहुत सालों से यहाँ हूँ, लगता है बादशाह शायद भूल गए हैं, तो मुझे यहाँ से रिहाई दो और मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, तो मेरा पैगाम पहुँचा देना। तो उस कैदी ने बोला ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब जो था वो बिल्कुल सिनान सच साबित हो गया, और जिसको नहीं बताया था कि उसको मौत की सज़ा होने वाली है, उसको मौत की सज़ा हो गई, और जो कैदी छूटने वाला था वो छूट के बाहर चला गया। जब वो बाहर गया तो फिर वो ऐसा भूला, क्योंकि शैतान ने उसको भुला दिया, या फिर अल्लाह ने नहीं चाहा कि वो अभी बादशाह को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बताए, फिर वो भूल गया। इसी तरह बहुत टाइम गुजरते गए, बहुत अरसा गुजरता गया, फिर बादशाह जो था मिस्र का बादशाह, उसने एक अजीब सा ख्वाब देखा। उसने कहा कि ये क्या हो रहा है कि मेरे पास, मैंने जो ख्वाब देखा कि जो मोटी गाय है उनको दुबली गाय खा रही है, तो ये क्या मामला है? तो सबको बुलाया गया, वहाँ के जो ख्वाबों की ताबीर बताते थे बादशाह के दरबार में आए, उनको बादशाह का ख्वाब जो था वो समझ ही नहीं आया। तो कुछ लोग कहने लगे कि नहीं बादशाह सलामत, आपका ख्वाब ऐसे ही है, ऐसे ही आ जाता है ख्वाब। लेकिन बादशाह जो था वो बड़ा परेशान था, उसने कहा नहीं, कुछ तो है इस ख्वाब में कि मोटी गाय को पतली गाय कैसे खा रही है, इस कुछ तो है। फिर वो जो कैदी जिसको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम बाहर जाना, तो ने वो ख्वाब भेजा था। हाँ, अल्लाह ताला ने भेजा था, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की रिहाई थी। तो वो जो कैदी जो रिहा होके आया था, जो भूल चुके थे, जब उन्होंने बादशाह का ये ख्वाब देखा उसको फौरन से याद आ गया, और उसने कहा बादशाह सलामत, मैं जब कैद में था तो मैंने एक बहुत ही नेक बंदे को वहाँ पाया, उसका नाम यूसुफ़ था, और उसने हमारे ख्वाबों की ताबीर बिल्कुल सही बताई थी, तो आप अगर कहें तो मैं उनको बुला के लाऊं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ जो अल्लाह ने कबूल की, और बादशाह ने कहा जाओ फौरन से उसको बुला के लाओ। तो फिर वो कैदी गए, बादशाह के लोग गए, फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर आए, फिर बादशाह ने अपना ख्वाब बताया, पूरा दरबार भरा हुआ था, सारे लोग थे, और जो लोग कह रहे थे बादशाह के बड़े बड़े लोग कि नहीं आपको तो ऐसे ही ख्वाब आया है, फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई कि आपके जो आने वाले साल हैं उसमें आप जो है खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होगी, अनाज बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इस अनाज को थोड़ा संभाल के रखना है, क्योंकि इसके बाद जो आने वाले साल हैं उसमें कहत पड़ेगा। कहत उसको कहते हैं कि ज़मीन जो होती है उसमें ग्रास उगना बंद हो जाते हैं, उसके अंदर अनाज उगना, फूड जो उग रहा होता है, फ्रूट जो उग रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है, बारिश ही नहीं हो रही होती, जानवर जो है पानी की कमी हो जाती है, जानवर मर जाते हैं। जब ऐसी सूरत हाल होगी
तो जहाँ लोग रहते हैं वहाँ उन्हें ना गोश्त मिलता है, ना दूध मिलता है, ना खाना मिलता है, क्योंकि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। हाँ, फिर क्या हो जाता है, वहाँ पर बहुत बुरा हाल होता है, बिल्कुल ऐसे लोग मरने की हाल में हो जाते हैं। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से, जो अल्लाह ताला ने उनको दानाई दी हुई थी, उनको इतनी एक नेमत दी हुई थी, उन्होंने बताया तो बादशाह को ये बात समझ आई कि जो मैंने ख्वाब देखा था उस ख्वाब की ताबीर थी, तभी तो मुझे ये ख्वाब आया। फिर इसी तरह से किया गया और बादशाह ने देखा कि जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बातें बोली थी वो सच साबित हुई। फिर बादशाह ने क्या किया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने जो सल्तनत थी उसका हिस्सा बना लिया, और जो ख़ज़ाना होता है ना, जो बादशाह का ख़ज़ाना होता है, पैसे होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनके लिए मुकर्रर कर लिया। आला ओहदा था वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उन्होंने बादशाह ने दे दिया। फिर उसकी रखवाली करते थे, वो बहुत ईमानदार थे, पैसे कहाँ पर ज़कात देनी है, कहाँ लोगों को खैरात देनी है, किस तरह का अनाज देना है, ज़कात का मतलब पैसे, पैसे देना है, किस तरह का अनाज देना है। फिर वही हुआ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुशहाली आएगी, अनाज ख़त्म हो जाएगा, सारी चीज़ें होगी। तो बच्चों वही सारी चीज़ें हुई। फिर बादशाह बहुत खुश हुआ। फिर क्या होता था कि जो इनके जो सराउंडिंग में जितने गांव घर होते थे ना, मिस्र के जो बराबर में जो शहर होते थे, ये छोटे छोटे गांव होते थे, वहाँ तो ये आलम था, बादशाह ने तो सब बचा के रखा हुआ था अल्लाह के हुक्म से, जो अल्लाह ने हुक्म दिया था। फिर वहाँ से लोग आते थे सामान लेने के लिए, आते थे लश्कर, आते थे लश्कर कहते हैं बहुत सारे लोग, गाँव के लोग, एक एक घर में तकरीबन 30-35 लोग रहते थे, कज़न्स होते थे, घर वाले होते थे, उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं होती थी। फिर वो सारी चीज़ें लेने के लिए फिर वो आते थे, मिस्र आते थे। फिर बादशाह जो था उनका भी दिल बड़ा था, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दिल बड़ा था। फिर सबको वन बाय वन चीज़ें वो देते थे, फिर वो सामान लेकर अपने घर जाते थे और फिर अपने घर वालों को खाना खिलाते थे। तो ये सिलसिला जो था वो चलता रहा, चलता रहा। और फिर इसी दौरान जो जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, उनके वालिद थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके जहाँ वो रहते थे जिस इलाके में, उसका भी वही हाल था। वहाँ पर भी अनाज नहीं था, वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें नहीं थी। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, उनको पता लगा कि मिस्र का जो एक बादशाह है, वहाँ पर उनका जो एक आला ओहदे पर जो फ़ाइज है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जो कि जिनका काम ही अनाज गल्ला बांटना, गल्ला कहते हैं अनाज को, चीज़ों को, तो हम वहाँ चलते हैं, सबको वो बांट रहे हैं तो हम भी वहाँ लेने चलते हैं। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, जो बड़े भाई थे, दूसरे भाई थे, वो सारे भाई थे, वो वहाँ पर जब सामान लेने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पर गए। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन उनके भाई जो थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो छोटे से थे और उनके भाई समझते थे कि तो वो तो पता नहीं कहाँ यूसुफ़ चले गए। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, वो पहचान गए और उन्होंने सबको सामान दिया लेकिन इनके भाइयों को नहीं दिया। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अपने छोटे भाई को लाएँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो चले गए अपने घर। फिर उन्होंने अपने घर जाके अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बच्चों बोला कि हम सामान लेने गए थे लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया और हमें कहा कि आप अपने वालिद को लेकर आएँ। तो हमने कहा हमारे वालिद जो हैं वो बहुत बुजुर्ग हैं, वो नहीं आ सकते, वो देख भी नहीं सकते। तो क्या उनके भाई ने उनको कुएं में फेंक दिया था, इसलिए उनने उनको नहीं दिया? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अब मैं आपको आगे बताती हूँ ना कि क्यों नहीं दिया, उसकी क्या मसलियत थी, क्या वजह थी। फिर उनके भाइयों ने कहा उनके अब्बू को कि अब्बा जान आप हमारे छोटे भाई को दे दें, हम उसको लेके जाते हैं क्योंकि उनको बुलाया है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पता है क्या बोला, अब मैं नहीं दूंगा इसको, तुम यूसुफ़ को भी लेके गए थे और आज तक वो मेरे पास वापस नहीं आया। क्यों, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी लेके गए थे ना, उन्होंने कहा हम बिल्कुल भी मैं नहीं दूंगा। लेकिन उनके भाइयों ने कहा कि अब्बा जान हमने तौबा कर लिए, हमने आपसे हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे हालात ठीक नहीं है, आप भाई को दे दें, हम वादा करते हैं कि हम छोटे भाई को साथ लाएंगे। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि फिर इनके अब्बा जान बहुत मुश्किल से, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है बहुत ही मुश्किल से कुएं में देखते, वो नहीं थे, वो नहीं थे। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बहुत मुश्किलों से रो रो के अपने बच्चे को प्यार करके भेजा। जो बड़े भाई जो थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के, जो छोटे बेटे थे और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई थे, उनको लेकर रवाना हुए। सफ़र भी बहुत लंबा था और वहाँ जब गए तो फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई को देखा और बहुत खुश हुए और उनकी आंखों में से आंसू निकल गए क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे के बाद देखा था। और उसके बाद का जो किस्सा है वो भी थोड़ा सा लेंदी है, तो बच्चों वो हम दूसरे एपिसोड में सुनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप इस किस्से को याद करें और आपको भी नेक्स्ट एपिसोड में सुनाएंगे। जैसे मैंने आज याद करा था ना कल वाला, वैसे
कल मैं ना ये वाला याद करूंगा। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, और याद करने की इसमें जरूरत ही क्या है, क्योंकि हमारे अंबिया के इतने अच्छे किस्से हैं, दिल को छू लेने वाले, आपको खुद ही याद हो जाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। करें या पर नहीं भूल जाए तो हम अल्लाह ताला की बातें कर रहे हैं तो अल्लाह ताला याद दिला देंगे। बिल्कुल सही बात, कि हम जब अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह के बंदों का जिक्र करते हैं, अंबिया का जिक्र करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला के ऊपर है कि हमारा रब हमें वो याद दिलाता है और हमारे दिलों में सारी जिंदगी याद रहता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अंबिया के किस्सों को हम सुने और हम भूल जाएं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप एक दफा पढ़ें या सुने, आपको हमेशा याद रहता है। बच्चों की प्यारी प्यारी सी बातें, खूबसूरत बातें, नेकी की बातें, और आप भी नेकी करते रहें, और अल्लाह हम सबको नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आज का सेगमेंट आपको कैसा लगा, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दूसरा किस्सा हम कंटिन्यू करेंगे, तो हमें इजाज़त दीजिए, और हमारा एक बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट एक दिन की नेकी आप देखिए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम एक दिन की नेकी के साथ मैं हूँ नीना मुनीर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। रमज़ान मुबारक। मैं आज जिस इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ के हर घर की एक अपनी दास्तान है, एक अपनी कहानी है। जब आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते हैं, इब्राहिम हैदरी सौ क्वार्टर यहाँ इस जगह का नाम है, तो ये लोग मैंने देखा कि अपने सेंसेस में भी नहीं होते हैं। इनके पास इतने दुख हैं, इतनी दास्तानें हैं, कि ये एक की बात करते हैं तो दूसरे को भूल जाते हैं, दूसरा याद आता है, कहीं और चले जाते हैं। तो मुझे भी इनसे बात करने में काफ़ी टाइम लगता है, और ये सब अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपने दिल का हाल आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप इन्हें देख सकें। ये कराची में ये इलाका है, और ये किस हाल में गुजारा कर रहे हैं। जो माँ मेरे सामने बैठी, माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले इनके घर में एक ऐसा मंज़र था जो शायद आप नहीं देख सकते। जवान बेटा, मुझे तो उनके सामने ये रिपीट करते हुए भी दुखी हो रहा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत कंट्रोल करके बात करूँ, इन पे हाथ उठा रहा था और वो नशा करता है। उसको अभी हमने बंद किया हुआ, और जल्दी जल्दी से हमें प्रोग्राम करें, क्योंकि आंटी ने खुद रिक्वेस्ट की कि वो आना चाहते हैं और अपने दिल का हाल बताना चाहती हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या नाम है आपका? लालू बिंगुन। कैसे हैं आप? लालू बिंगुन, मेरी शुगर इंतकाल हो गया, मेरे बच्चे पागल था, हिरन भी था, पागल बन गया, मेरे खिलाने वाला कोई नहीं है, बहुत मेहनत करी मेरे गुजारा, सास का बीमार है, मेरे आंखों के पिरिचिन है, बहुत मोच बच्चे गुजारा हो रहा, आंखों का ऑपरेशन भी आपका, जी आंखों के पिरिचिन भी, तो मुझे आता रहता जी, जी जी। तो आप अगर इन माँ जी का घर देखें, उनके हालात देखें, तो माँ जी आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो आपका बेटा है जी, ये नशा करता है? नशा करता, क्या नशा कर कर पागल हो गया, रून पीता, कितने साल हो गए? 5-6 चले गया, हिरन में लग गया, अभी पीता पीता दमा काम नहीं दे रहा, पागल बने गया, चुड़िया बने गया, तो पागल बने गया। आप हैं, आपकी बेटी है इस घर में और आपका ये बेटा? हाँ, मेरी बेटी का अलग रहता ना, मैं अलग किया, अलग कहा था, मैं अलग कहा था, कोई चोर नहीं है, इधर आया ना मेरी बेटी जी। बिल्कुल, बताती चलूँ कि इनकी जो बेटी है, उनकी ये दूसरी शादी है, और जो जो उनका शौहर है वो उनको छोड़ के जा चुका आपकी बेटी को, यही बात है। इसका बेटी को दो बच्चा है, इसका मियां है, तो बच्चे किसके पास है? दो, इसका बात है, इसी के पास है, बात माँ का बात, इसको किस किस्म के लोग, इसका मियां दूसरा शादी करेगा, दूसरा शादी करेगा, भाग गया,
बच्चों को इनके पास छोड़ गया। जी अच्छा बच्चों ने दिया। माँ जी आप कैसे आपके घर का जो सारा खर्चा निजाम सब नोट बनाता मेरी बेटी ने जे नोट बुक नोट नहीं है नोट बनाने का कैसे कैसे गुजर रहे हैं बच्चे पढ़ रहे का बच्चा नहीं किताब लाने पड़ रहा कलम लाने पे ये लाने देने पड़ रहा ये भी मुसीबत। तो माँ जी आप क्या आप कुछ कहना चाहेंगे जो लोग आपसे सुन रहे हैं कोई आपकी किस किस्म की मदद जो आप चाहें जो हमें नहीं पता आप चाहती हो कि आपके ये मसाइल हैं हुकूमत को ये करना चाहिए आप लोगों के लिए काम कुछ है आपके जहन में? मैं कह सकती हूँ कि इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाएंगे। आई नो मैं मतलब इनसे पूछती भी इसलिए हूँ आप देखें कि मतलब किस कदर लोग परेशान हैं ये हमारे ही अपने बहन भाई हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इनकी हेल्प कर सकते हैं तो इनकी हेल्प करें और आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। ये प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से आपके लिए कुछ कैश है घर का राशन है और ईद के जोड़े हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद और रमज़ान बहुत अच्छी गुजरेगी और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपकी तमाम तकलीफ़ों को कम करे ख़त्म करे। बुन मुसीबत से बेटी बुन मुसीबत के बुन मुसीबत से गुजारे ने मेरे को बेटी हिम्मत मेरे पागल बुनी के मेरे बच्चे ने भी गए बेटी हिम्मत मेरे जान भी मारे मेरे को चलने के लिए आने के लिए हिम्मत नहीं है बेटी सुनने हिम्मत मेरे मां हिम्मत परेशान ना हो इंशाल्लाह ताला ये दुख तकलीफ से भी खत्म हो जाएंगे। इसके इलाज को नहीं ले पैसा नहीं है बेटी रोने क्यों पागल से मत बोली ये नहीं अल्लाह का शुक्र अल्लाह का रहम निकले बुरे बुरे के अल्लाह ही नहीं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको हम ये जगह ये घर इन लोगों से इसलिए मिलवाते हैं कि आप इन्हें देखें इनके हालात को देखें और ये आपके सामने हैं। मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। मैं हर प्रोग्राम में यही बात कहती हूँ। मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ बहुत दुख भी होता है और क्या कहूँ बस प्रोग्राम एक दिन की नेकी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।